हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास सिंह, अ लाइफ एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। आज हम उन दो वीज के बारे में बात करेंगे जो लीडर्स के पास होती हैं और जो उनको उनके जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनाती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड के लीडर्स हों, चाहे किसी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लीडर्स हों। उनके पास में ये ही दो महत्वपूर्ण क्वालिटी होती हैं जिसके पीछे सारी क्वालिटी, सारा पैसा और सारी कायनात चलने लगती है। आप अगर अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास ये दो भी होना ही चाहिए, अदरवाइज सक्सेस विल नेवर फॉलो यू। आपको अपने जीवन में इंटेलिजेंट होना कतई जरूरी नहीं है, आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कतई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारा पैसा होना कतई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ ये दो चीज़ होंगी तो बाकी सारी इंटेलिजेंस, सारे रिसोर्सेज, सारी दुनिया की सुविधाएं आपके पीछे पीछे चलने लगेंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू वीज। द फर्स्ट वी इज विजन। हर लीडर के दिमाग में एक ड्रीम, एक विजन होता है जो बहुत क्लियरली उसको दिखता है, जो दुनिया जब वो चलना शुरू करती है तो उसको नहीं देख पाती है दुनिया, बट उस लीडर को दिखता है और वो उस रास्ते पे चलना शुरू करता है और धीरे 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 लोग उससे जुड़ने लगते हैं, समाज उसके पीछे पीछे चलने लगता है और दुनिया उसको फॉलो करते 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 वो लीडर बना देती है। सेम हैपेंड विथ महात्मा गांधी व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड स्वराज्य। स्वराज्य के पीछे जब बापू ने चलना शुरू करा तो वो अकेले चलना शुरू किए थे अहिंसा के पथ पे, और लोगों ने फिर उस बात में विश्वास रखा और पीछे 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 चलना शुरू किया। जब धीरूभाई अंबानी ने बात करी थी कि जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक होगी तो लोग उन पे हंसे थे, पर आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक जामनगर रिफाइनरी उनके विजन की वजह से। ये एक विजन ही होता है जिसके लिए, जिसको पूरा करने के लिए, जिस सपने को आप 24 घंटे देखते हैं, आपका दिमाग 24/7 जब उस पर काम करता है तो आपका सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सब एक हो जाता है और पूरी एनर्जी के साथ उस पर काम करना शुरू करता है, और फिर धीरे से लोग आपके पीछे आते हैं। लोगों में आप जब उस विजन के बारे में डिस्कस करते हैं और जब लोगों को लगता है कि नहीं, यू लिव अप टू दैट विजन, पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यू। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं गैदर कर पाते। एक डिफरेंशिएटर जो सबसे बड़ा है स्टार्टअप्स के सक्सेस या फेल्यूअर्स में, या इन्वेस्टर जिस चीज को ध्यान देता है, वो है आप कितना क्लियर हैं अपने विजन को लेके। आपने अगर उसमें पिछला एक साल, पिछला 6 महीना दिया है तो उस 6 महीने में आपने क्लैरिटी कितनी लाई है अपने विजन को लेके। यदि आप क्लियर हैं तो लोग पैसा लगाते हैं, यदि क्लियर हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग जॉब छोड़ के आपकी छोटी सी स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स योर स्टार्टअप्स बिकम अमेजन और फ्लिपकार्ट। दिस इज योर पावर ऑफ विजन। सो ये एक पहला वी है जो आपको होना जरूरी है, एंड दैट इज विजन। दूसरा वी है वैल्यूज। अगर आपके पास वैल्यूज हैं, अगर आपका एक वैल्यू सिस्टम, जिसको हम कोर वैल्यूज बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर आपका एक वैल्यू सिस्टम है तो आप बहुत टेंजिबली उस वैल्यू सिस्टम को दुनिया को दिखाते हैं। जैसे इंटेग्रिटी एक कोर वैल्यू है, जैसे पैशन एक कोर वैल्यू है। अगर आप पैशनेट हैं अपने काम के लिए, अगर आप इंटेग्रेटेड हैं अपने काम के लिए, तो वो दिखने लगता है। यदि आप इनोवेटिव हैं तो वो एक कोर वैल्यू है, तो आपकी हर अप्रोच में वो इनोवेटिव अप्रोच दिखेगी। यदि आप एम्पैथेटिक हैं तो एक कोर वैल्यू है, यदि आप क्लाइंट ओरिएंटेड हैं तो वो एक कोर वैल्यू है, और इन सारी कोर वैल्यूज पे लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं। लोगों को कई बार आपका विजन क्लियर नहीं दिख पाता है, बट अगर वो आपकी कोर वैल्यूज में विश्वास रखते हैं तो भी वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ विक्टर, और इफ यू वॉन्ट टू हैव विक्ट्री इन योर लाइफ, द थर्ड वी इन योर लाइफ, यू हैव टू हैव दीज टू वीज इन योर लाइफ, दैट इज विजन एंड वैल्यूज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड।